प्रकृति धरोहर में ये जो देवलसारी है, इस देवलसारी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम और मेरे कुछ परिचित यहाँ पर आए। उन्होंने और मैंने मंथन किया और देखा कि यहाँ पर काफ़ी जंगलों का कटान हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और भारी लोग आकर यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए हमने एक सोसाइटी तैयार की, इसका नाम है देवलसारी पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी विकास समिति। देवलसारी जो क्षेत्र है यह जौनपुर समुदाय में आता है। और जौनपुरी जो समुदाय है अपने आप में संस्कृति, खान पान और मेहमान नवाजी में अपने आप में बहुत मशहूर यह क्षेत्र है उत्तराखंड का। Devalsari's wonderful biodiversity is what attracted me to it in the first place. I first visited Devalsari in the year 2009 with my son Yash and immediately fell in love with this lovely location. Set in the midst of dense deodar forests, hill slopes in the background, the peak of Nagtibba peeking at you, birds chirping in the background and loads of butterflies. Opportunistic surveys over the last few years have resulted in a bird checklist of 180 species. Some of the special birds that we've seen here are flocks of firecapped tits, black and yellow grosbeaks, spotwing grosbeaks, red-headed bullfinch, to only name a few. In addition, the butterfly diversity in Devalsari is terrific too. Our checklist of butterflies exceeds 150 species, and it's a great place to watch the Grand Duchess, six-bar swordtail, brown argus, and numerous other species that are not easy to see elsewhere in the Himalayas. इस जंगल में जितनी भी महत्ताएँ हैं, इस जंगल की जितना भी पशु है, पक्षियां हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, हम लोगों को बताया जाए तो उसका एक स्कोप क्या है, यहाँ इको टूरिज्म का। इको टूरिज्म से हम लोगों को जोड़ें, इससे लोगों को लगे कि रोज़गार मिल रहा है, तो जंगल बचाने से रोज़गार मिल सकता है, न कि जंगल काटने से। और जो जंगल है, जंगलों में कोई आवाज़ ना करे, शोर शराबा ना करे प्लीज़, क्योंकि जंगल के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वन्य प्राणी हैं, वो डिस्टर्ब ना पहुँचे, तो बड़े आराम से ट्रैक करें। जो पर्यटक यहाँ पर आता है, वो पर्यटक आता है नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी। वो बुजुर्ग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कोई भी उम्र सीमा का हो सकता है। और अधिकतर जो हमारे आ रहे हैं पर्यटक, वो भारतीय आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देवलसारी में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं। इको टूरिज्म में हमारा जो सेंटर है, वहाँ पर आते हैं अलग अलग प्रकार के पर्यटक आता है, जिसमें से एक होता है विद्यार्थी पर्यटक। विद्यार्थी पर्यटक जब यहाँ पे आता है, तो उनको हम ट्रैकिंग ले जाते हैं, उनको बताते हैं कि प्रकृति के बीच में कैसे रहा जाता है, प्रकृति के बीच में कैसा अनुभव करें आप, किस तरीके का आप वातावरण रखें जिससे प्रकृति और धरती को कोई नुकसान न पहुँचे। और उनके साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम खेलते हैं, पक्षियाँ दिखाते हैं, तितलियाँ दिखाते हैं, उनको मनोरंजन कराते हैं प्रकृति वाला। मधुमक्खी में मेरा लगभग 15 वर्ष का अनुभव है। हनी भी नेचर में 98%
पॉलिनेशन करने की जो कार्य है वो सिर्फ हमीरी का है, वो सिर्फ तरंगों से काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से नेचुरली इनका बनाया रहता है, उसको बोलते हैं वाल बिहाइव और इसको बोलते हैं बी बॉक्स। करीब करीब हमारी संस्था के द्वारा 4000 पूरे उत्तराखंड में 4,500 किसान हमारे हैं जिनके साथ हम बी कीपिंग करते आ रहे हैं। और नेचुरल हनी बी एपिस सिरेना इंडिका उसको संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम दो प्रकार से इसमें मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, एक तो वैज्ञानिक विधि और एक परंपरागत विधि। परंपरागत में लोगों को जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारी मधुमक्खियां मर जाती थी पहले प्रशिक्षण के अभाव के कारण, लेकिन जब संस्था ने यहाँ पर कार्य किया प्रशिक्षण देने के बाद लोगों में मधुमक्खी के प्रति जानकारी आई तो मधुमक्खी को भी लाभ मिला क्योंकि मधुमक्खी की कॉलोनियाँ घटने में बच गई और लोगों को भी रोजगार मिला। यह जो सोसाइटी है इस सोसाइटी का बनाने का मुख्य मकसद था स्वरोजगार से संरक्षण को कैसे हम बनाएं और किस प्रकार से हम इस जंगल को बचाएं। आप देख रहे हो यहाँ का जंगल किस तरह से कितना पूरा देवदार बीच में हमारा जो सेंटर है। यहाँ पर टूरिस्ट आने का मुख्य जो कारण है ये यहाँ का सबसे पहले यहाँ का जंगल, यहाँ का शांत वातावरण और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है। मैं यहाँ पर जून 2015 से नेचर गाइड का काम कर रहा हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ, मुझे लगातार 4 साल हो गए हैं और काफ़ी कुछ लोगों से सीखने को मिला है। देवल सारी सोसाइटी में ये मेरा दूसरा ट्रिप है, पहला ट्रिप मेरा पर्सनल था वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इस बार मैं स्कूल की तरफ से आई और ये भी उतना ही अच्छा था। इस बीच में हमारे यहाँ का रहने का खाने का लोगों के साथ गांव में एक्सपीरियंस जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है कि अगर समाज में चेंज लाना है तो आपको आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ परिवर्तन लाना होगा और वो परिवर्तन आ सकता है स्कूल के माध्यम से, इको क्लब के माध्यम से, बच्चों के साथ में हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे। तो हम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के साथ अलग अलग लोकल स्कूलों में इको क्लब के माध्यम से वेब ऑफ लाइफ गेम के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि प्रकृति का क्या महत्व है, क्या महत्व चिड़िया का है, क्यों जरूरी है पेड़ों का बचना, क्यों जरूरी है नदी का बचना, क्यों जरूरी है पशु पक्षियों का बचना, क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी का बचना और इससे क्या फर्क पड़ेगा मनुष्य पे या धरती पे। ये जो क्षेत्र है ये प्रकृति एक प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता में भी अपने आप में अलग पहचान इसकी है। तो यहाँ पर जो देवलसारी का जो ग्रामीण क्षेत्र है ये जौनपुरी है और जौनपुरी जो संस्कृति है वो अपने आप में उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ है।
हम जो इको टूरिज्म में जो भी पर्यटक आता है उसके लिए हम जो भी भोजन देते हैं वो भोजन अधिकतर जो होता है वो यहीं का लोकल भोजन होता है, शुद्ध ऑर्गेनिक होता है। Devalsari is a place that all nature lovers must visit. If you want peace, quiet amidst nature, this is the place for you. पर्यटकों मैं यही कहूँगा कि आप आइए इस प्रकृति की गोद, सुंदर जो धरती है देवलसारी, इसमें आइए, तितली दर्शन करें, पक्षी दर्शन करें, साथ में छोटे बड़े पर्वतों पे आप ट्रैकिंग करें, और साथ में आप यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है इसको देखें, और यहाँ का जो शुद्ध भोजन है उसका आप आनंद लें।